वहां छात्रों, आज विद्यालय में मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, अब तक तो आपको स्वर्ण काका कहानी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई और ये कहानी खत्म भी हो गई और आपको पता चला कि लालच का फल कितना बुरा होता है। लालच का फल बहुत बुरा होता है। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमको लालच नहीं दिखाना चाहिए किसी भी कार्य में, ठीक है। तो इस कहानी में आपको अच्छी तरह से छात्रों समझ में आ गया कि आपको लालच नहीं करना चाहिए। लालच करेंगे तो उसके बुरे परिणाम हमेशा आपको मिलेंगे और लालच नहीं करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, जैसे कि वो बूढ़ी का माँ की बच्ची को मिला, उसको हीरे जवाहरात मिले, और लालच करने वाली बच्ची को जो घमंडी प्राउडी थी उसको क्या मिला, और काला सांप, ठीक है। तो छात्रों, अब हम इस कहानी का आपको पूरा स्टोरी समझा चुके हैं, सब कुछ समझ में आ गया है, तो आज हम आपको इसकी अभ्यास माला करवाते हैं। तो छात्रों, इस अभ्यास माला को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, तो आइए आज हम इस अभ्यास माला का पहला भाग देखते हैं। तो छात्रों देखते हैं, क्लास 9 संस्कृत द्वितीय पाठ स्वर्ण काका का 9वां भाग, अभ्यास माला 1, प्रश्न नंबर 1, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखन, यानी अधोलिखित यानी नीचे लिखे हुए जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको केवल संस्कृत भाषा में ही देने हैं छात्रों। तो आइए एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखिए, स्टोरी आपको समझ में आ गई है, आप अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत, यानी निर्धन बूढ़ी बेटी, बूढ़िया की बेटी कैसी थी, कैसी थी छात्रों, विनम्र और मनोहर। तो उसका आंसर क्या होगा, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा चा आसी, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए छात्रों, बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत, बालिकया यानी बालिका के द्वारा पूर्वम यानी पहले में क्या नहीं देखा गया था छात्रों। तो उत्तर है सोने का पंखा और कैसी चांदी की चोच वाला, सोने के पंखों वाला सोने का कौवा कभी भी नहीं देखा था छात्रों उसने। तो आंसर क्या हुआ, संस्कृत में देना हमको, इसलिए बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काका न दृष्टम आसीत, ओके। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन क्वेश्चन, रुदंतीम बालिकाम काका कथम आश्वास्यत, यानी रोती हुई बालिका को सोने के कौवे ने क्या आश्वासन दिया। तो आंसर है छात्रों, रुदंतीम बालिकाम काका आश्वास्यत अकथयत च सूर्योदयात प्राग ग्रामात वही पिप्पल वृक्षमनु त्वया गंतव्यम अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। उसने क्या कहा रोती हुई बालिका को, कौवे ने क्या आश्वासन दिया, उसने कहा कि सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम्हारे द्वारा आना चाहिए, मैं तुम्हें वहां पर चावलों का पूरा मूल्य दूंगा, ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकित जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हुई। तो बालिका वृक्षस्योपरि स्वर्णमयम प्रसादम दृष्ट्वा स्वर्णमयम प्रसादो दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। तो बालिका सोने के महल को पेड़ के ऊपर देखकर, सोने के महल को पेड़ के ऊपर देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आससात, बालिका किस सीढ़ी के द्वारा सोने के महल में आई। तो बालिका स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आससात, यानी बालिका सोने के सीढ़ी से सोने के भवन में आई। नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, सा ताम्रस्थाल्या चयनाय
किम तर्कम ददाति, वह तांबे की थाली के लिए चयन करने के लिए, मतलब वो तांबे की थाली को चयन करने के लिए क्या तर्क देती है, तर्क याने वह अपना वो बताती है मंत्रणा कि क्या चीज है मेरे अंदर। तो सा ताम्र स्थाल्याः चयनाय तर्कम ददाति यत सा निर्धन मातो पुत्री अस्ति, याने वह तांबे की थाली का चयन करने के लिए तर्क देती है कि मैं गरीब माँ की बेटी हूं तो मुझे तांबे की थाली में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत, यानी गर्विता बालिका के द्वारा कौन सी सीढ़ी मांगी गई थी और कौवे के द्वारा उसे कौन सी सीढ़ी दी गई थी। तो आंसर हुआ छात्रों, गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत परम ताम्रमयम सोपानम च प्राप्नोत, यानी उसने गर्व में, घमंड में, प्राउड में सोने की सीढ़ी मांगी परंतु उसको क्या मिली छात्रों, तांबे की सीढ़ी। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत, सॉरी नौ, नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, प्रश्न दूसरा का क, अधोलिखिता नाम शब्दा नाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, यानी नीचे लिखे हुए आपको विलोम एंटोनिम, विलोम यानी एंटोनिम्स वर्ड दिए गए हैं, उनको पाठ से ही चुनकर लिखना है, इधर उधर से नहीं लिखना है। ठीक है छात्रों, तो नौ देखिए, पश्चात क्या दिया है वहां पर, प्राक। ठीक है, तो प्राक और प्राग आप दोनों लिख सकते हैं, हसी तुम रोदी तुम, आधा ऊपरी, श्वेता कृष्णा, सूर्योदय सूर्यास्त सूर्योदय, सुप्ता प्रबोधा। नौ सेकेंड वन, खा देखिए, संधिम कुरुत यानी संधि करना है, तो वो आपको हर गद्यांश में बताई गई, आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं। नी प्लस औसत इज इक्वल टू न्यावसत, सूर्य प्लस उदया इज इक्वल टू सूर्योदय, वृक्षस्य प्लस ऊपरी इज इक्वल टू वृक्षस्य ऊपरी, ही प्लस अकार्यत इज इक्वल टू ह्यकार्यत, च प्लस एकाकिनी इज इक्वल टू चैकाकिनी, इति प्लस उक्त्वा इज इक्वल टू इत्युक्त्वा, प्रति प्लस औदत इज इक्वल टू प्रत्यवदत, प्र प्लस उक्तम इज इक्वल टू प्रोक्तम, अत्र प्लस एव इज इक्वल टू अत्रैव, तत्र प्लस उपस्थिता इज इक्वल टू तत्रोपस्थिता, यत्र प्लस यथा प्लस इच्छम इज इक्वल टू यथेच्छम। नौ छात्रों, प्रश्न नंबर थ्री, स्थूल पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी आपको मोटे अक्षर में दिए गए हैं जो भी वर्ड, उसके ऊपर आधारित आपको प्रश्न निर्माण यानी क्वेश्चन मेकिंग करना है। तो छात्रों यहाँ पर हम आपको अंडरलाइन वर्ड करके दे रहे हैं, उसको आपको देखते हुए आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो नौ पहला देखिए छात्रों, ग्रामे निर्धना स्त्री न्यावसत, तो कौन है निर्धना स्त्री, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ग्रामे का औसत क्वेश्चन मार्क। प्रश्न मेकिंग में ऑलवेज छात्रों ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हमेशा आना चाहिए, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप क्लास नाइन्थ में है, आपको जीरो मिलेगा, तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, ग्रामे का औसत जब क्वेश्चन बनाया तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर देना है और आंसर हमेशा फुल सेंटेंस में ही देना है। दूसरा, स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, तो स्वर्ण काकम में अंडरलाइन है, तो काकम यानी कम, तो कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। नेक्स्ट वन, सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात आत आ रहा है यानी कस्मात, तो कस्मात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता। नौ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, बालिका निर्धन मातु दुहिता अस्ति, यानी बालिका गरीब माँ की बेटी थी
तो मातु यानी षष्ठी विभक्ति, तो क्या हुआ, बालिकाः कस्याः दुहिता आसीत्, क्वेश्चन मार्क। ओके नाउ नेक्स्ट वन है छात्रों, लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम भी ज्ञातवती, यानी लोभी वृद्धा की स्वर्ण काकस्य की स्वर्ण काक की रहस्यों को जान गई थी। तो किसकी रहस्यों को जान गई थी, लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम भी ज्ञातवती। ठीक है छात्रों, तो ये आपका अभ्यास माला एक था और इसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक छात्रों बताया है। तो आज आपने अभ्यास माला एक अभ्यास एक का है, 3 पार्ट किए हैं, 3 क्वेश्चन किए हैं। पहला आपने किया संस्कृत में उत्तर देना, दूसरे में विलोम पद और तीसरा संधि कुरुत। तो तीसरा नहीं था वो, दूसरे का ही पार्ट था, का और खा। और तीसरा आपने छात्रों क्या देखा, आपने वो देखा क्या कहते हैं, प्रश्न निर्माण। तो यहाँ तक आपका अभ्यास माला एक था, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमो नमः छात्रों।